हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपने पास है बजाज री CNG कॉम्पैक्ट ऑटो रिक्शा इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 2,40,000 एंड द मोस्ट रिलायबल इन द सेगमेंट। सो लेट्स डू अ क्विक वॉक अराउंड एंड एट द लास्ट वी विल सी शुड यू कंसीडर इट और नॉट। कमर्शियल व्हीकल है तो लुक का करना ही क्या, बट अप्रोचेबल स्टांस है इसका, खासकर ये डुअल टोन थीम में येलो एंड ग्रीन, विच रिप्रेजेंट्स कि ये एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल नहीं है। दैट मींस ये एक CNG वेरिएंट है। ये रहा आपका विंडशील और वाइपर, इसमें कोई वॉशर वगैरह आता नहीं है। ये आपके टर्न इंडिकेटर्स जो कि हजार्ड फंक्शन के साथ आते हैं। ये आपके नंबर प्लेट की हाउसिंग, बजाज आरी का बैजिंग, और ये रहे इसके डुअल हेडलैम्प्स जो कि एक हैलोजन यूनिट है। इनका थ्रो सेगमेंट में बेस्ट तो नहीं है, बट आपके रेगुलर यूजर्स में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये रहा इसका मेटालिक मड गार्ड, तो अगर ये गाड़ी कहीं से लग जाती है तो आपको पूरा रिमूव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली इजीली रिपेयर करा सकते हैं। और ये रहे इसके हाइड्रोलिक सस्पेंशंस, और इसमें कोई फ्रंट या रियर में डिस्क वगैरह नहीं आते, नॉर्मल आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलेंगे। ब्रेक बाइट जो इसकी है डिसेंट ही है। और यहाँ पर दी गई है CNG की बैजिंग, और कुछ ऐसी दिखती है इसकी साइड प्रोफाइल 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। और इसमें इन एंड आउट करना भी काफ़ी इजी हो जाता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। और ये 2-सीटर वेरिएंट है, वैसे 3 लोग इस पे आ जाते हैं बट थोड़ा सा टाइट होके। और ये रही इसकी कैनवास रूफ, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर हाई स्पीड पर आप चलाएँगे तो वो फड़फड़ाने की आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आने वाली। और तो इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो इसका मेन पार्ट है वो रियर में ही है, क्योंकि एक इसका जो इंजन की प्लेसमेंट है वो बैक साइड में ही दी हुई है। यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर मिल जाता है थोड़ा एयरी फील आने के लिए। और ये रहे इसके टेल लाइट, इसमें आपको रिफ्लेक्टर्स, ब्रेक लाइट और पार्किंग लाइट मिल जाते हैं। और एक इसमें प्रॉपर रिफ्लेक्टर पूरा एज अ टैक्सी वेरिएंट की वजह से मिलता है। और यहाँ पर रही नंबर प्लेट की हाउसिंग, और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, और ये इसका इंजन भी। नाउ लेट्स ओपन इट। ये रहा इसका 326 cc का पेट्रोल इंजन, मतलब FI इंजन है ये, LPG और CNG पेट्रोल सबको सपोर्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस अ पावर ऑफ 9.2 bhp एंड 16.18 Nm ऑफ टॉर्क। और इसका कर वेट अराउंड 300 kg है, तो पावर लैग भी ऐसा आपको इसमें फील नहीं होगा। और यहाँ पे बजाज की बैजिंग, और यहाँ से आपका फ्यूल लिड है, मतलब पेट्रोल के लिए, उसको भी ओपन कर लेते हैं। और ये रहा इसका CNG टैंक जो कि 7 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, और इसमें जो पेट्रोल टैंक दिया हुआ है वो 9 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। और आपको CNG में इसमें 50 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा पर kg। सॉरी, इसमें जो पेट्रोल टैंक है वो सिर्फ 2 लीटर का है, और माइलेज आपको अराउंड वो 28 लीटर से 30 लीटर का आराम से दे देगा। और कुछ ऐसा दिखता है इसका कैबिन। नाउ ये इसका फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे ये रियर इंजन व्हीकल है तो इसमें आग लगने की थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये रहा इसका बूट, जिसमें 2 लोगों का लगेज आराम से आ जाएगा। नाउ लेट्स चेक आउट इट्स सीट कम्फर्ट। और ये रहा इसका डोर, जो कि कंपनी फिटेड तो नहीं आता लेकिन एज एसेसरी पैक है। और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स वगैरह दिए हुए हैं। अब इसका स्पेस भी चेक कर लेते हैं। ये रहा इसका फ्रंट डैशबोर्ड, देखो लेग रूम और थाई सपोर्ट वगैरह है, लेकिन हेड रूम काफ़ी अच्छा खासा है। कार के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो वो कम्फर्ट तो आपको मिलने नहीं वाला, बट अगर आप ऑटो रिक्शा के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो इसका कंफर्ट वगैरह काफ़ी सही है, और स्पेस भी अच्छा खासा है। हाँ, 3 लोग इस पर कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, बट 2 adults और एक बच्चा इस पर आराम से बैठ सकता है। तो अब इसका ड्राइवर साइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसकी बैटरी और स्पेयर व्हील मिल जाता है, और ये भी फुल साइज स्पेयर व्हील है 8 inches का बैटरी इसमें, क्योंकि ये अब सेल्फ स्टार्ट सिस्टम के साथ आती है। और ये रहा वैसे इसका जो हैंडल से स्टार्ट किया जाता था पुली वगैरह के यूज़ करके। अब इसका भी स्पेस एंड कंफर्ट सब चेक कर लेते हैं।
थाई रियर की बात छोड़ो, मेन मजा तो इसमें फ्रंट में है। आप अंडर थाई सपोर्ट देखिए, पूरा फुल है। और हेडरूम का तो वैसे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं। आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ, आपको ऑटो रिक्शा में जो रिवर्स गियर होता है और यहाँ से लगता है वो, और क्लच वगैरह यहाँ पे, और ये 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। ये रहा इसका फ्यूल गेज वगैरह, और टेम्परेचर मीटर इसमें सब आता है, और ये इसका स्पीडोमीटर एंड जो किलोमीटर की रीडिंग वगैरह ये सब दी हुई है। और ये इसके स्टीयरिंग व्हील, आई मीन स्टीयरिंग और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आजकल 10 लाख के ऊपर की गाड़ियों में भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते, हालांकि इसमें आ रहा है। अब क्या हुआ, वो लाइट और वाइपर के कंट्रोल ही दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है। ये आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल, ये हाई बीम लो बीम स्विच, और ये रहा आपका वाइपर का कंट्रोल, और ये रहा हॉर्न, जिसके हॉर्न कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर ये तो ऐसा बंद शोरूम है तो आपको थोड़ा सा लाउड फील हो रहा होगा, बट अगर आप ट्रैफिक में चलाएंगे चलाएंगे तो वो एज सच पता नहीं चलेगा, मतलब इतना इफेक्टिव हॉर्न नहीं है। और ये रहा इसका, अभी तो ये पेट्रोल पे है, सीएनजी पे ट्रांसफ़र करिए इसको, अब ये सीएनजी पे ट्रांसफ़र हो गया। अब आपको वो स्विच दिखाते थे जहाँ से ये सीएनजी पेट्रोल ट्रांसफ़र होता है, ये रहा वो स्विच, और ये 1000 लाइट का स्विच, और ये डमी बटन ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 2 डमी बटन्स हैं, लेकिन वो वर्किंग है। अगर आप स्पीकर वाला वेरियंट लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत कंप्लेन आ रही थी कि जो कंपनी है इसमें कोई म्यूज़िक सिस्टम वगैरह ऑफर नहीं करती, तो अगर आप स्पीकर वाली वेरियंट लेंगे तो आपको इसमें ये डमी बटन्स वर्किंग मिल जाएंगे। अब इसका ग्लव बॉक्स भी चेक कर लेते हैं, और ये रहा आपका प्रॉपर ग्लव बॉक्स, जो कि काफ़ी गहरा है, आपके पेपर वगैरह रखने के लिए या टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब दिया हुआ है। हाँ, एक बात और, यहाँ पे एक प्रॉपर बॉटल होल्डर भी दिया गया है 1 लीटर कैपेसिटी के साथ, और एक यहाँ पे नॉर्मल आपका फ़ोन वगैरह रखने के लिए ग्लव बॉक्स दिया है, और ये कॉइन होल्डर्स वगैरह। सो ये सब तो हो गई इसके स्पेसिफिकेशंस, और ये रहे प्रवीण भैया, इस शोरूम के गार्डियन भैया। आप अपना नंबर बता दीजिए जिससे लोग कांटेक्ट कर सकें। जी, मेरा नंबर है 9838292579। ठीक है, तो मोबाइल सबमिट करना है। जो शोरूम के डिटेल्स वगैरह हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, और भैया का नंबर भी आप ले लीजिएगा वहां पे, और स्क्रीन पे भी आ जाएगा। सो दिस वॉज बजाज आरी कॉम्पैक्ट सीएनजी रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।